It's my mom's birthday. It's mom's birthday. The actual date, 20th of June, Monday. हम दोनों मस्त ready हो गए to go out. She has no idea where I'm gonna take her. Of course, I love surprising my loved ones. But I prepared a small little breakfast spread for her. So I got this cutlery for my birthday. But I was like, नहीं मुझे माँ को इसमें serve करना है. And she absolutely loves misal pav. I ordered from Swiggy. She only received it, but she still doesn't. Clearly have an idea कि इसमें क्या है. I'm gonna serve all of this in that. So birthday girl, मेरी princess princess जैसी लग रही है आज. बहुत बार्बी डॉल जैसा फीलिंग हो रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. एकदम लाइट लाइट फीलिंग. आई हैव सरप्राइज फॉर यू. ऑलवेज रेडी फॉर सरप्राइज. क्लोज योर आईज. हाँ सी नीचे मिसल पाव. पण पाव नहीं आया. सिर्फ मिसल आया. अनुपमा है. अरे वाह यस. वी अनुपमा देखते देखते वी आर हैविंग फूड. सो आई गॉट माई सेकेंड बर्थडे गिफ्ट. सो मुझे गेस करना है कि इसमें क्या है. ये बॉक्स है जैसे लाइक वी कैन से सिपर. ओके वाटर बॉटल समथिंग लाइक दैट. सुपर. जैसे कि आप लोगों को पता है अभी मैं लाइक मेकअप पे थोड़ा सा हाथ साफ कर रही हूँ. या तो मुझे मेकअप करना तैयार होना बहुत अच्छा लगता है. सो बहुत बहुत प्यारी गिफ्ट है. मेकअप ब्रशेस. यस. So we reached the lunch location. Birthday. मेरी आंखें नहीं हट रही मम्मी से. नजर नहीं लगे फ्रॉम मी ओनली. बट व्हाट डू यू थिंक कैसा प्लेस है. अभी नाम पता चला ग्लोबल फ्यूजन. सो आई थी मुझे नाचस वगैरह जो पसंद है लाइक सिंधी का पानी पूरी वगैरह. सो आई थिंक वैसा होगा. सो एक्साइटेड. लेट्स सी इफ शी गेट्स लाइक इफ शी लाइक्स द प्लेस ऑर नॉट. बहुत सारे अच्छे अच्छा है. तो बर्थडे जैसा लग रहा है. वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी. तो वी हैव टू पिक जो भी हमें स्टार्टर चाहिए उसके आगे का कूपन. वी हैव टू पिक एंड वी हैव टू सबमिट. हाय. सो बर्थडे हो तो ऐसा रियली सुपर सुपर प्लेस. ओल फूड. सो अभी मैं वंस अ मंथ यहाँ पर डेफिनेटली आना चाहूँगी. मैं आवाकाडो नहीं पसंद है बट कुछ टाइम से मैंने टेस्ट किया. सो मैंने आज सुशी में आवाकाडो वाला भी लिया है. क्या वेराइटी है. सीरियसली आई प्रीफर कि सबको यहाँ पर एक बार आना ही चाहिए. यस बर्थडे हो तो ऐसा. गेस करूँ मैं. हाँ गेस करो. पक्का. हाँ मुझे सुबह से यूजफुल थिंग्स ले रही है. हाँ कल रात को भी दिया बोहो बैग. इट्स अमेजिंग. मैं वेट कर रही हूँ कब यूज़ करूँगी. बट ये चीज़ अगर मैं गेस करूँ मुझे टिश्यू लग रही है. मम्मी मैं टिश्यू क्यों दूंगी. ये यूज़ नहीं करना है क्योंकि आप यूजफुल चीज़ें दे रहे हो. ओके मुझे एलर्जी प्रॉब्लम है. कभी भी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है तो नोज तो भरपूर एकदम यूजफुल चीज होनी चाहिए. एलर्जी प्रॉब्लम कुछ भी. आई डोंट थिंक शी इज एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल. क्वालिटी बहुत अच्छी है. हमारे पास एक था समथिंग सिल्वर. जब भी वो लेते थे तो पूरे हाथ हाँ हर जगह पे सिल्वर. सी दिस इज बिल्कुल भी नहीं. ब्यूटीफुल. आई लव यू. थैंक यू.
we have now come to the mall. I wanted for her to shop. Mama is full in shopping mode. I know that you're trying to fix me, but I don't want to be like you. We always go into the same trial room. This reminds me of my bachpan. So for my birthday, I'm mostly going to like a beachy location, and that's why we're looking for beachy stuff like a hat and swimsuits. Shopping for a swimsuit with mom, I never thought as a kid that I'd be doing that. With that lifestyle and literally only one skirt I found, one. No brand is making skirts. So you can keep your suit and your tie. Gotta hope that it's right. Finally, after going to like 12 stores, I found one skirt at Mango. And like, we loved it instantly. Ending the mall trip with ice cream. What is dinner ka kya plan? Chaat khana hai. My new look. Mama aur hum sabko parivar mein chaat khana bahut pasand hai. So dinner has to be chaat. Hi, it's 27th June. I'll share karna aapke saath. It's also like an inspiration for anybody else who's having a birthday and you can get an idea of what you can gift. तो सबसे पहला गिफ्ट जो मम्मा को मैंने दिया था दैट वाज दिस सेट ऑफ मेकअप ब्रशेस. दिस इज पैक एक्स जोविता मेकअप ब्रश सेट. मैं पूरा दिन ज्यादा करके, जैसे आपको पता है कि मैं योगा करवाती हूँ, तो पूरा दिन ट्रैक सूट में, नो मेकअप, नथिंग. बट कभी भी मुझे बाहर जाना है लाइक इसके साथ में, लाइक अपना शूट है या तो कहीं पे भी जाना है, तो मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक दिस इज द बेस्ट गिफ्ट जिसको मैं अच्छे से यूज कर पाऊंगी. So basically, when mama was starting makeup, she had a very strong mentality कि मेरे लिए spend मत करना, जो भी तेरे पुराने makeup का सामान है, brushes है, वही सब दे दो. So gift number one का idea था कि gift वो चीज जो उनकी एक passion है, जो उनको कुछ करना पसंद है, उसमें आप कोई ऐसा सामान दे जो उनको help कर सके. So this was that. My second idea was to get her something जो उसको बहुत time से चाहिए था. तो birthday आने के कुछ time पहले से मैं alert हो जाती हूँ जब हम मॉल जा रहे हैं या मम्मी ऑनलाइन देख रही है कि वो क्या देख रही है. सो शी वॉज आई गोल्ड और सिल्वर क्लचेस दैट शी कैन कैरी टू एनी पार्टी. गॉट हर टू क्यूट लिटिल क्लचेस फ्रॉम एक्सेसराइज. डू चेक आउट द प्राइस ऑन मल्टीपल पोर्टल्स बिकॉज इवन दिस इज अ गिफ्ट. बट आपको पता है मम्मा का दिल कैसा रहता है, बच्चा मेरे लिए स्पेंड नहीं करना चाहिए ज्यादा पैसा. तो जैसे ही शी ओपन, आई कुडंट टेक द टैग ऑफ कि मैंने ऑनलाइन लिया है, तो मैं इस पर वो भी नहीं कर सकती. आई कांट कैंसिल द प्राइस. तो प्राइस देख के शी वाज लाइक इतना महंगा, एंड आई हैड टू टेल हर एंड कन्विंस हर कि भाई डिस्काउंट में लिया था व्हेन दैट मिंत्रा सेल हैड कम. एंड आज ये मॉल गए थे, ये सेम चीज कितने परसेंट में थी? सिर्फ 30% ऑफ में थी. एंड ऑनलाइन आई गॉट दिस फॉर आई थिंक 50-60% ऑफ. सो चेक द प्राइसेस बिफोर यू बाय. एडवांस में करोगे ना तो बहुत पैसे बचाओगे. अगर लास्ट मिनट यू हैव टू रन एंड गेट फ्रॉम द स्टोर, यू विल एंड अप स्पेंडिंग मोर. नाउ द थर्ड गिफ्ट वाज दीस शूज. सो दिस इज अगेन वेरी यूजफुल स्केचर्स के शूज, मुझे बहुत पसंद है. अभी जैसे आप लोगों को तो पता है कि हम लोग काश्मीर ट्रिप पे गए थे, वहाँ पे मैंने स्केचर्स के जो मुझे पुराने वाले शूज थे वो 5 साल चले, तो अभी वो काफी रफ हो गए थे, मुझे ट्रिप से आके तुरंत वो फेंकना ही पड़ा. तो जैसे हेली को मैंने पता चला कि वो मैंने फेंक दिए, तो तुरंत ही उसने ये भी मुझे शूज ला के दिया, दूसरा स्केचर्स का ही, जो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत लाइट वेट है. थर्ड गिफ्ट इज समथिंग दैट जो वो डेली में यूज करते हैं बट थोड़ा सा खराब हो गया होगा, या इन मम्मा केस तो पूरा खराब हो गया. सो आई थॉट लेट्स गेट हर अ न्यू पेयर ऑफ शूज जो हेजिटेट नहीं करनी चाहिए डेली में पहनने के लिए. एंड लास्टली इज अ लस्टफुल आइटम. नाउ लस्टफुल आइटम्स या वॉन्ट स्पेसिफिकली यूजली एक्सपेंसिव साइड पे होता है. देयर नॉट समथिंग दैट यू टिपिकली नीड, बट कभी खुशी हो जाती है ना जब इच्छा पूरी होती है. तो मम्मा का वो इच्छा था एक बंजारन बैग जिसमें बहुत सारा वर्क हो, घुंघरू हो, कॉइन्स हो, शेल्स हो, एंड हम बहुत महीनों से ढूंढ रहे. सो आई फाउंड द परफेक्ट वन. आई ऑर्डर दिस फ्रॉम देसी तत्व. इट्स एन इंस्टाग्राम स्टोर. इट वॉज प्रॉब्ली माई फर्स्ट इंस्टाग्राम परचेज. इज एक्सपेंसिव. तो इट वॉज ओके. डिलीवरी में बहुत कोऑर्डिनेशन इशू हो रहा था. लाइक थैंक गॉड मैंने एक महीने से ज़्यादा पहले ऑर्डर कर दिया था, इसलिए मुझे कट टू कट टाइम पे मिला. बट आई थिंक
उसने मुझे दो पैक दिए हैं लाइक दिस. एक तो मैंने यूज कर भी लिया, सो अभी मैं वेट कर रही हूँ इसको अच्छे से स्टाइल करने के लिए. बहुत जल्दी आपको शेयर करेंगे आपके साथ. आवाज भी बहुत स्वीट और मीठी है, खास करके मुझे उसका ये जो स्ट्रैप है वो बहुत पसंद आया. समथिंग आई हैव टू टेल यू अबाउट द स्ट्रैप इज, इसमें सपोज अगर है 40 मिरर्स, उसमें से 4-5 ना टूटे, लाइक प्रॉपर टूटे हुए है. एंड जैसे ये आया मैंने चेक करके उनको बताया ये फ्रॉम वेयर आई बॉट की है, व्हाई इज इट, कहीं कहीं तो मिरर मिसिंग भी है. तो दे लाइक ये ऐसा ही होता है, इट्स अ ट्रेडिशनल थिंग कि ऐसा ही सामान यूज होता है. इवन इफ इट इज broken, it's not counted as a defect, it's counted as something that adds to the aesthetic of this, was what they had to say to me. They sent me pictures of their other bags also to prove ki hamare sare bags mein aisa hota hai, aisa nahi ki aapko kuch defective aaya hai. You need to know this before you buy. So hogi to mummy freely use karke, both are totally different from each other. This is the second one, ye ek potli hai, wo ek bag tha. एंड ये मम्मी ने ऑलरेडी यूज करना शुरू कर दिया है. बहुत ही अच्छी है, इसमें भी काफी सारे कॉइन्स लगे हुए है. And But this was mama's birthday, 46th birthday. मैंने ज़्यादा नंबर नहीं बताया क्योंकि ज़्यादा उनकी मम्मी को नज़र नज़र लगी कि 46 की लगती नहीं है. हाँ नहीं लगती है, मन से भी नहीं है. She's still a kid at heart. Like I love her company. Always, always. Happy birthday. Thank you. So, if you enjoyed watching this video, then you know what to do. Do give it a thumbs up and subscribe to our channel for future vlogs. If you did not enjoy watching this video, bindaas give it a thumbs down. I will see you in a brand new video very, very soon. Until then, goodbye.